हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग यादव में। तो गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, तो क्यों ना हम ठंडी ठंडी शेक और ड्रिंक से ही शुरुआत करें। तो आज मैं बना रही हूँ ओरियो चॉकलेटी लावा मिल्क शेक, जो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो मैंने ले लिया है ओरियो का एक पैकेट, और ये बड़े वाले पैकेट में जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं वो हैं, और बेलन से खूब अच्छे से इसकी मैं पिटाई कर लूँगी, जिससे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से एक पाउडर बना लेंगे, और आपको क्रीम के साथ ही इसको पीस लेना है, बढ़िया सा पाउडर बन जाएगा। तो देखिए, क्रीम के साथ ही ओरियो का बहुत अच्छे से पाउडर बन गया है। तो अब मैंने ले लिया है जूसर जार, जिसमें मैंने फ्रीजर मिल्क डाला हुआ है, और नीचे जो आइस थी उसको भी हम आगे यूज में लेंगे। और जो ओरियो पाउडर हमने पीसा है उसको मैंने 4-5 चम्मच डाल दिया है, और चीनी डाल देंगे अपनी मिठास के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी क्रीम के कारण दूध बहुत मीठा हो गया है, और ये देखिए मिल्क शेक बन गया है। तो अब हम कर लेते हैं सर्विंग की तैयारी। तो मैंने एक बड़ा सा गिलास ले लिया है, और ये जो आइस वाला मिल्क है फ्रीजर वाला, वो पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये फीका है क्योंकि आगे जो हमने चीनी ऐड की है वो बहुत मीठा है, और जो पाउडर को अच्छे से हमने क्रश किया था, बिस्किट को पाउडर में बदला था, वो डाल देंगे 2-3 चम्मच। और आप देखिएगा कि मतलब 2-3 मिनट में ही बहुत अच्छा सा मिल्क शेक ओरियो का बन जाएगा, और जो शेक हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे, और जो ऊपर से थोड़ी सी झाग आ रही थी वो भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा और पाउडर ले लिया है। और इसको और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ चॉकलेट सिरप, इसीलिए तो इसको बोल रहे हैं ओरियो चॉकलेट लावा मिल्क शेक। और थोड़ा सा और यम्मी बनाने के लिए मैंने रख दी है किटकैट चॉकलेट। तो देखिए बन गया ना एकदम ठंडी ठंडी ड्रिंक, और देखते से ही आपका मन हो जाएगा कि फटाफट से इसको पी लें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओरियो मिल्क शेक लावा बनने में बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरी ठंडी ठंडी रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ठंडी ठंडी रेसिपी में। बाय।